नमस्कार जी सभी को, आज मैं ले आई हूँ अगला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही सीक्वेंस में। कड़ी दर कड़ी हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने गॉस थ्योरम, उनके एप्लीकेशन वह सब डिस्कस किया। एक छोटा सा पार्ट मिस हो गया था हमारा, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के साथ ही कर लेना चाहिए था, दैट वाज विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टूडेज वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल एंड ब्यूटीफुल प्यारे से लेक्चर के अंदर। वो हमें करनी है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। हमें ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमें पता है कि एक चार्ज है, एक सोर्स चार्ज है, उसके उस चार्ज के चारों तरफ उसके अराउंड का वो स्पेस जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज अगर एंटर करता है तो वो उसकी फोर्स को फील करता है, बाहर जाते ही उसकी फोर्स को वो फील नहीं करता है। मैंने बड़ी एक खूबसूरत सी एग्जाम्पल दे के मैंने कहा था कि आप मुझे चार्ज मानिए, आप इधर से आएंगे मैं आपके ऊपर फोर्स लगाऊंगी, आप इधर से आएंगे मैं फोर्स लगाऊंगी, इधर से आएंगे लगाऊंगी, नीचे से आएंगे तो लगाऊंगी, कहीं से भी आइए मैं फोर्स लगाऊंगी। तो वो था कि मेरे चारों तरफ मेरे ही जैसी एक मेरे सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी माय फील्ड। तो इसी तरीके से एक चार्ज है, उस चार्ज के चारों तरफ एक इमेजिनरी स्पेस है जहां के जिसके अंदर एंटर करते ही उसके इन्फ्लुएंस को फील किया जा सकता है, जिसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेजर्ड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, और वो जो छोटा पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज है दैट वॉज इम्पोज बाय अ लिमिट टेंडिंग टू जीरो। हमने उसको माना कि वो बहुत छोटा होना चाहिए, इतना छोटू सा होना चाहिए कि उसकी फील्ड भी छोटू सी हो ताकि वो दूसरे के ऊपर अपना इफेक्ट ना डाल पाए। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद अगर हमें मैथमेटिकली इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करनी है, हमारे पास फॉर्मूला आ गया F/Q0। बट विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप विजुलाइज करेंगे तो फिजिक्स आपको बहुत ईजी लगनी शुरू हो जाएगी। अब उस स्पेस को मुझे विजुलाइज करना है तो मुझे कुछ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी कि भैया ये बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर मेरे पास पास आओगे तो फील्ड बढ़ेगी, दूर दूर जाओगे तो कम होगी। उसको मैं विद द हेल्प ऑफ लाइंस, विद द हेल्प ऑफ कर्व्स, विद द हेल्प ऑफ आर्क्स किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें क्या करनी है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन करनी है। मतलब हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे हैंडल कर पाएंगे, तो उसके लिए देखिए हमारे पास दो मेथडोलॉजीज हैं, वन इज ओल्ड व्यू एंड अनदर इज मॉडर्न व्यू। जो ओल्ड व्यू है उसमें विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स इनको रिप्रेजेंट किया जाता था। सो फर्स्ट इज वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि वैक्टर्स की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब वैक्टर की हेल्प से कैसे करेंगे, सो फॉर दैट देखिए कि मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसके नज़दीक जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे बहुत ज़ोर से धक्का मारेगा, भाई इतने पास आ गए हो, ज़्यादा पास आना तो किसी के भी अलाउड नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजनेस है इस रिपल्शन, तो एकदम से इतनी ज़ोर से आपको धक्का मारेगा ये। अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को नीचे इट विल पुश, बहुत ज़ोर से धक्का मारेगा। इधर से आएगा तो भी उतनी ज़ोर से, इधर से आएगा तो भी इतनी ज़ोर से, इधर से आएगा तो भी उतनी ही ज़ोर से, 5 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंसेस पे सपोज इसने इसको धकेल दिया। तो ये जो लाइंस मैंने ड्रॉ की, ये जो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए, ये इसके आसपास की फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही बेचारा यहाँ पहुँचेगा फिर से उसको पुश लगेगा, लेकिन पिछले वाले से थोड़ा छोटा, फिर आगे थोड़ा कम पुश, थोड़ा कम पुश, थोड़ा कम पुश, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम करते करते ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से इस डायरेक्शन के अंदर उससे छोटा वेक्टर, उससे छोटा वेक्टर, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम करते करते ख़त्म। मतलब हम क्या करेंगे, हम छोटे छोटे वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि हमारी जो फील्ड है वो कितनी स्ट्रांग है, किस डायरेक्शन के अंदर है। सो ये जो वी कॉल इट वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड, इसी तरीके से इधर भी, इसी तरीके से इधर भी, इसी तरीके से इधर भी। तो ये जो मैंने छोटे 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 वेक्टर्स ड्रॉ कर दिए हैं इसको हम बोलते हैं वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देखिए क्या है, कितने सारे, अब कैसे पता चलेगा कि फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्गर है कहाँ वीकर है, तो जो इस वेक्टर की लेंथ है, द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, कि ये जितना लंबा होगा, मान लीजिए 5 न्यूटन पर कूलम की फील्ड वहाँ पर काम कर रही है, तो मैंने उसको स्केल दे दिया 5 सेंटीमीटर का, तो मैं अपना वैक्टर 5 सेंटीमीटर लंबा कर दूंगी। और जो ये एरो हेड है दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मतलब हमें स्ट्रैटेजी तो समझ आ रही थी, लेकिन देखिए आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि मैंने इतनी ये लाइन तो ड्रॉ कर दी यहाँ पर, मैंने आपको समझाने के लिए कि ऐसे इधर ऐसे इधर ऐसे इधर, मीन्स मैं आलसी हूँ आप यही कहेंगे। तो मैं नहीं, हमारी ह्यूमन रेस ही आलसी है, हमें इतना लंबा चौड़ा काम पसंद नहीं है। वी डोंट वॉन्ट टू गो इन टू दिस लेबोरियस एक्सरसाइज, इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये कि हमें हर वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 न्यूटन पर कूलम को भैया 5 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है, 3 न्यूटन पर कूलम को हमें 3 सेंटीमीटर ही ड्रॉ करना है, 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। तो वो जो लेंथ है एक तो वो प्रॉपर होनी चाहिए, डायरेक्शन जो है वो तो आप प्रॉपर कर ही लेंगे, तो और इतने सारे वैक्टर्स ड्रॉ करने, खाला जी का बाड़ा है क्या? तो डेफिनेटली करने ही पड़ेंगे। एग्जैक्टली सेम नेगेटिव के लिए है, अगर मैं इसी चार्ज को नेगेटिव कर दूं ये एरो हेड्स इनवर्ड्स हो जाएंगे, बाकी सारी सिचुएशन जो है वो सेम रहेगी, मतलब यहाँ पर बड़ी एरो फिर उससे छोटी 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 खत्म। एग्जैक्टली सेम इधर बड़ी एरोज बड़ी मछलियाँ, फिर छोटी मछली छोटी मछली छोटी मछली छोटी मछली छोटी मछली छोटी मछली, इस तरीके से यहाँ पर भी बन जाएंगे। तो ये जो वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है दिस इज़ नॉट यूज दीज डेज, क्योंकि हम आलसी हैं। तो ये क्यों नहीं यूज़ की जाती है? क्योंकि इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी डोंट वॉन्ट टू इंडल्ज आवर सेल्फ इन सच लॉन्ग एक्सरसाइज कि हमें इतने सारे वैक्टर्स ड्रॉ करने पड़े, हमें ध्यान रखना पड़े कि इसको मुझे 5 सेंटीमीटर बनाना है, इसको 10 बनाना है, इसको 3 बनाना है, इसको 2 बनाना है। दैट इज़ वाई ये रिप्रेजेंटेशन आज की डेट में यूज़ नहीं की जाती है। लेकिन आपको पता ज़रूर होना चाहिए कि भाई ये भी एक तरीका है, आप चाहे उस तरीके को फॉलो करें ना करें, लेकिन ये गलत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है, फ्री बैठे हुए हैं, आप वेले घूम रहे हैं, तो आप बड़े आराम से इस पे काम कर सकते हैं, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ही इलेक्ट्रिक इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको नॉर्मली बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लस टू में भी पढ़कर आए होंगे, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स प्लस टू स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक रहेगा ये भी और वो भी। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स मतलब लाइन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में काम कर रही है उधर मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगी और एरो भी शो कर दूंगी इसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, दैट विल गिव मी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। या अब कैसे होगा ये, अभी जो हमने अभी ड्रॉ किया कि मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, अब यहाँ इसके नज़दीक आप एक पॉजिटिव रखेंगे, ये उसको रिपेल करता धकेलता 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 इधर दूर ले जाएगा। हमें मतलब ब्रेक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे वैक्टर्स ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट उसका पाथ रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जैक्टली सेम इधर, फिर इधर जितने बड़े आप ड्रॉ कर सकते हैं आप कर लीजिए। सो इस तरीके से जहाँ से भी आप आएंगे वहीं से ही आप इन एरोज़ को ड्रॉ कर देंगे। ये मैंने छोटे बड़े कर दिए, आपको छोटे बड़े नहीं करने हैं, कुछ इस तरीके से आप फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देंगे पॉजिटिव की। नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज आप जैसे एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शंस हो जाएंगी इन सब की, मैं थोड़ा छोटा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। तो नेगेटिव चार्ज के लिए अगर मुझे फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है तो वही लाइंस स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, एंट्रिंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एरो हेड इनवर्ड्स हो जाएगा, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब प्रॉब्लम इस स्ट्रैटेजी के अंदर ये आ गई इस मेथडोलॉजी में कि हमें मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा, डायरेक्शन तो समझ आ रही है कि इधर 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 उसको चल के जाना है, बट व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड, जो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कितना है? तो उसके लिए देखिए ये जो क्राउडिंग है इन लाइंस की, जितनी ज़्यादा लाइंस क्राउडेड होंगी, डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ फील्ड उतनी ही ज़्यादा है, जैसे जैसे दूर 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 जाते जा रहे हैं ये वाइडली अपार्ट होती जा रही हैं एंड फील्ड कम होती जा रही है। सो डेंसिटी ऑफ लाइंस विल डायरेक्टली गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरो हेड विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं आपको डिफाइन करने को बोल दूं कि डिफाइन कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, सो यू विल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस अलॉन्ग विच अ यूनिट टेस्ट चार्ज विल मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो इन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड। कि किसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक यूनिट टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दें, मतलब यहाँ पे मैंने एक टेस्ट चार्ज को छोड़ दिया, मैंने नहीं पकड़ा उसको, मैंने यहाँ रखा और मैं पीछे हो गई, छोड़ दिया, जस्ट लाइक जैसे आप दिवाली पे पटाखे चलाते हैं, आग लगाई पीछे हो गए, मैंने टेस्ट चार्ज रखा पीछे हो गई, कोई फोर्स कुछ नहीं लगाया, अब इसकी फील्ड की वजह से बेचारा अपने आप धक्के मारता हुआ धकेलता हुआ इधर चला जाएगा। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ पार्टिकल। तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि वाई दिस लाइन्स आर कॉन्टिन्यूस कर्व्स, ये कॉन्टिन्यूस लाइन्स क्यों हैं? क्योंकि भैया चार्ज कॉन्टिन्यूसली चल के जाएगा, फ्रॉग थोड़ी ना है कि ऐसे 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 करके जंप लेके जाएगा।
इट विल मूव कॉन्टिन्यूसली, यहाँ से यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन में चलेगा. दैट इज वाई दीज लाइन्स विल नॉट शो सडन ब्रेक्स, इनके अंदर ब्रेक्स नहीं आएंगे. तो ये ओल्ड व्यू से एंटायरली डिफरेंट सिस्टम है. तो ये था डेफिनेशन हो गई. कमिंग ऑन टू अगर इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, आपको प्रॉपर्टीज बतानी है, आपको डेफिनेशन बतानी है, आपको करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है, फीचर्स लिखने हैं, तो फर्स्ट पॉइंट तो डेफिनेशन ही इंक्लूड कर लेता है. तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आप लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सो नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सो फर्स्ट पॉइंट में आप यही बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये हमने मानी है, हमारी घोर कल्पना है ये. इमेजिनरी लाइन्स अलोंग विच अ यूनिट टेस्ट चार्ज विल मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो. ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, और आप इसको इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी भी मान सकते हैं. दूसरा, अभी हमने क्या किया कि दे एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही होती हैं, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव से दूर भागेगा, इस तरीके से दूर भागेगा, इस तरीके से दूर भागेगा. अब दूर भागेगा तो हम बाहर को एरोस ड्रॉ करेंगे. सो दे एमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर इन नेगेटिव चार्ज. साथ में डायग्राम जरूर बनाया कीजिए, पॉजिटिव की फील्ड लाइंस यहां पर शो कर दीजिए, साफ साफ बनाइए आप, मैं थोड़ी भद्दी सी ड्राइंग ड्रॉ कर रही हूं. नेगेटिव इस तरीके से इनवर्ड्स, क्योंकि मुझे आपको सिर्फ चीजें समझानी है. तो ये हो गया सेकंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट पे अगर मैं कहूँ कि ये क्लोज कर्व्स हो, जैसे आपको डायपोल्स के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करनी हो, देन दे विल फॉर्म कर्व्स, आर्क्स बन जाएंगी. सो इन केस ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्स, कॉन्टिन्यूस कर्व्स. फोर, मोर देन वन चार्जेस, एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे तो ये कर्व्स बनने शुरू हो जाएंगे. जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव में से निकालना है, नेगेटिव में डालना है, पॉजिटिव में से निकालना है, नेगेटिव में डालना है. और ये भी ध्यान रखना होगा कि 90 पे ही निकालना है, जिसको हम अगली प्रॉपर्टी के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. पॉजिटिव में से निकालना है, नेगेटिव के अंदर हमें इसको डालना है, कुछ इस तरीके से. तो ये कर्व्स बन गई हैं. अब अगर कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आप क्या लिखेंगे, द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करने के लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. सो द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट will give us the direction of electric field at that point. ये हमें दे देगा. ये मैं कह सकती हूँ कि next property होगी. उसके बाद हम कहेंगे कि इसका जो next हमें बताना था कि magnitude या strength, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ fifth one, the density of field lines is directly proportional to strength of electric field. कि जितनी ज़्यादा stronger field होगी, वहाँ पर ये lines बहुत ज़्यादा crowded होंगी, बहुत ज़्यादा closer to each other होंगी, और weaker fields में these lines will be widely apart, एक दूसरे से ये दूर रहेंगी. अब उसके बाद अगर हम कहें कि बेसिकली दे आर रिप्रेजेंटिंग द पाथ फॉलोड बाई यूनिट टेस्ट चार्ज, ये चीज़ हम लोग डिस्कस करके आ चुके हैं. एंड अनदर थिंग इज कि दीज लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर.
क्यों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसको देखिए, क्यों क्रॉस नहीं कर सकती, इसके लिए हम उल्टा काम कर लेते हैं। लेट अस सपोज टू फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग ईच अदर एट अ पॉइंट पी। अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एक्ट अलोंग दिस डायरेक्शन बाय टेंजेंट अलोंग ई वन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट एक्ट इन अ डायरेक्शन ई टू अलोंग दिस टेंजेंट। नाउ पी इज द पॉइंट एट विच देर आर एक्टिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली। If there exists to a point at which two electric fields are acting simultaneously along different directions, तो हमें उनका resultant लेना पड़ता है। So their resultant will be along some this direction। अभी यहाँ पर तो कोई field line ही नहीं है, क्योंकि resultant जहाँ पर particle को तो वहाँ चल के जाना चाहिए, test charge को वहाँ जाना चाहिए, but यहाँ पर कोई line ही नहीं है, तो particle इधर कैसे आएगा, charge कैसे आएगा, या इधर जाएगा या इधर जाएगा। अब resultant यहाँ आ गया, भैया दो forces एक इधर खींच रही है एक इधर खींच रही है, तो इधर चल के जाऊँगा मैं तो बीच के रस्ते में से, बीच में रास्ता ही नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। सो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। अगली अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, दे एमर्ज नॉर्मली टू एवरी सरफेस, हर सरफेस, अगर आप प्लेन सरफेस में से इसको ले रहे हैं, सो नेक्स्ट वन इज दे एमर्ज नॉर्मली टू एवरी सरफेस, हर सरफेस से ये नॉर्मल एग्जिट होती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्लेन शीट है, इसके ऊपर पॉजिटिव 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 चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से 90 पे हमेशा ये फील्ड लाइंस जो हैं वो बाहर आएंगी एट 90। अगर नेगेटिव होता तो यही इन्वर्स हो जाती। तो आपको कोई भी ऐसे ऐसे इस तरीके से फील्ड्स को रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो ये हमेशा 90 पे बाहर आएंगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, these electric field lines contract longitudinally contract होती हैं। क्या contract होती हैं, क्यों contract होती हैं, longitudinal मतलब along length। जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, ये इसकी length wise है, इसको हम बोलेंगे longitudinal, ये breadth wise है, इसको हम बोलेंगे lateral। तो longitudinally ये contract मतलब इस तरीके से पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव से एमर्ज होके नेगेटिव के अंदर एंटर, पॉजिटिव से एमर्ज नेगेटिव के अंदर एंटर। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर जब ऐसे जाएंगे तो ये लाइंस छोटी 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 होने की कोशिश करती हैं, इसका मतलब चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आते हैं। सो क्यों कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। 90 पे पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई, ये वाली इधर बाहर ये वाली इधर अंदर। अब क्योंकि भैया इन दोनों को क्लोजर आना है तो इनको छोटा 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 होना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये प्रॉस एंड कॉन्स हैं स्टेटमेंट्स एक दूसरे की। अगर आपको ये कह दिया जाए कि वाई डू टू ऑपोजिटली ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो आप कहोगे कि फील्ड लाइंस आर कॉन्ट्रैक्टिंग लॉन्गिट्यूडनली। इसी तरीके का अगला अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, सो इन दैट पॉइंट वी कैन कंसीडर दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स exert lateral pressure on each other, exert lateral pressure on each other, एक दूसरे के ऊपर ये क्या करती हैं, lateral pressure लगाती हैं। मतलब lateral pressure मतलब breadth wise। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, 90 पे निकल के इसके रिपल्शन की वजह से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, कुछ ऐसे जाएगी, कुछ इस तरीके से ये 90 पे निकलती हुई अपने अपने चार्ज में से ये वेव फील्ड लाइंस 90 पे एमर्ज होती हुई कुछ इस तरीके से निकल जाएंगे। अब यहाँ पे ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करेंगी और इस प्रेशर की वजह से ये दूर भागेंगे चार्जेस एक दूसरे से। दैट इज़ वाई सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दैट इज़ वाई ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एग्जर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, दैट इज़ वाई ऑपोजिट चार्जेस रिपेल ईच अदर। दूसरी बात इसमें क्या हो जाएगी कि अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूँ, तो दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज ऑलवेज ज़ीरो, बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, दैट इज वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्जर्वेटिव इन नेचर, कॉन्जर्वेटिव इन नेचर है। दूसरी बात,
इसके अंदर कर्लिंग इफेक्ट नहीं है, कर्ल जीरो है। इसका मतलब फील्ड इज इरोटेशनल, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर आप किसी पार्टिकल को रखते हैं तो ये रोटेशन इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस नहीं करेगी, इसके अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी नहीं है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट गिव रोटेशन और विल नॉट कॉज रोटेशन। किसी डायपोल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेशन कॉज कर सकती है कि नहीं कर सकती? डायपोल में किस तरीके से करेगी हम आगे डिस्कस करेंगे। फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट वी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस टॉर्क, दैट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट। हाँ, टॉर्क आएगा, कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कर्ल जीरो आ गया, सो इट इज नॉट पॉसिबल इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ चार्ज मे बी रोटेट, एक सिंगल चार्ज को आप उसके अंदर रोटेट कर पाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।